आदाब दोस्तों, मैं हूं शहजाद आलम बर्नी। आप देख रहे हैं द बर्नी शो। आज हम अपने शो में जो मुद्दा लेकर के आए हैं वो उस मदरसे से जुड़ा हुआ है जहां पर 26 अक्टूबर को मोहम्मद अजीम नाम के 8 साल के बच्चे को मौत के घाट उतार दिया गया था। विवाद हुआ था मदरसे के बाहर, जो खाली ज़मीन पड़ी हुई है उसको लेकर के दरअसल विवाद चल रहा है काफ़ी ज़माने से। मदरसे के लोगों का कहना है कि ये ज़मीन मदरसे की है, जबकि वहाँ के लोकल जो लोग हैं उनका कहना है कि वो ज़मीन लोकल लोगों की है। लेकिन वहाँ पर बच्चे खेल रहे थे, उसके बाद आपस में विवाद हुआ और अजीम को मौत के घाट उतार दिया गया। इतना पीटा गया कि वो अस्पताल पहुँचते पहुँचते मर गया। लेकिन अभी एक और नया विवाद उसमें शुरू हुआ है। मुस्लिम मिरर डॉट कॉम ने एक स्टोरी की है जिसमें कहा गया है कि मदरसे को निशाना बनाया गया, फिर से पत्थर फेंके गए शुक्रवार के दिन, मतलब कि जुमा के रोज़। मदरसे का नाम है जामिया फरीदिया मदरसा। ये मालवीय नगर में है, साउथ एक्स का जो साउथ दिल्ली का जो एरिया है मालवीय नगर, उसके अंदर ये बना हुआ है। इस मदरसे के जो मौलाना है उन्होंने बताया कि मौलाना मुमताज़ ने बताया कि जुमा के रोज़ वाल्मीकि कैंप के लोगों ने मदरसे पर हमला किया और करीब 5:30 बजे पथराव किया गया मदरसे पे। जब उनको समझाने के लिए मौलाना बाहर आए तो उन पर बाकायदा पत्थर बरसाए गए और एक पत्थर उनको भी लगा, जिसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया। उनके 5 से 6 टांके भी आए, इसमें उनकी ड्रेसिंग कराई गई। ये फ़ोटो आप देख सकते हैं, उनके ज़ख्मी होने का ये फ़ोटो है लेकिन वहाँ पे। लेकिन बड़ी बात यह है कि इस मदरसे को जब अटैक किया गया, इस पर जब ये पत्थरबाजी की गई, तो उस वक्त वहाँ की लोकल जो पुलिस है, जो उस एरिए की पुलिस है, उसके अधिकारी भी वहाँ पर मौजूद थे बाकायदा। ये मौलाना मुमताज़ ने खुद बताया है कि मौलाना मुमताज़ ने कहा कि जब वहाँ पर पत्थरबाजी हो रही थी तो उस वक्त वहाँ की पुलिस मौजूद थी, लेकिन वो सिर्फ देख रही थी, किसी को रोक नहीं रही थी। लेकिन जब मदरसे के मौलाना के चोट लगी, वो गंभीर रूप से घायल हुए, उनको अस्पताल ले जाया गया, उसके बाद पुलिस हरकत में आई और मामले को शांत कराया गया। सवाल ये उठता है कि ये ज़मीन को लेकर के विवाद चला, ये एक अलग चीज़ है, लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर कब तक हम लोग लड़ते रहेंगे मज़हबों के नाम पर। हमारे अंदर इतना जहर घोल दिया गया है मज़हब के नाम पर कि हम दूसरे समुदाय को बर्दाश्त ही नहीं करना चाहते हैं, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। मैं किसी एक समुदाय की बात ही नहीं कर रहा हूँ, लेकिन क्या इस तरह से आप रह पाएंगे एक दूसरे के साथ? क्या इसका आखिर क्या होना है, इसका अंत क्या होना है, कि कहाँ लेकर के जा रहे हैं आप अपने समाज को? और ख़ास तौर से वो नेता जो धर्म की राजनीति कर रहे हैं आजकल, और उनसे भी ज़्यादा जो ज़िम्मेदार मैं समझता हूँ वो हम लोग हैं, चाहे वो मैं हूँ चाहे वो आप हों, जो उन नेताओं के बहकावे में आ जाते हैं और अपने अंदर इतना जहर घोल लेते हैं दूसरे के ख़िलाफ़। जबकि हर धर्म ये सिखाता है कि हम सब इंसान हैं और हमें इंसानों से मोहब्बत करनी चाहिए। तो कैसे रुकेगा ये सिलसिला, इसके बारे में आप हमें बताइए। हालांकि मदरसे के जो मौलाना है उनको अस्पताल ले जाया गया है, वो अभी ठीक हैं, बेहतर हैं, कोई हंगामा नहीं है वहाँ पर, माहौल शांत है बिल्कुल। और मेरी आप लोगों से भी सबसे ये अपील है कि जितने भी लोग इस वीडियो को देखेंगे वो अपने साथ के लोगों को ये बात ज़रूर समझाएं कि धर्म के नाम पर नफ़रत बंद करें, क्योंकि कोई भी मज़हब आपको नफ़रत करना नहीं सिखाता है। ये हमारी ख़ास अपील आज के इस प्रोग्राम के बाद कि सभी धर्मों के लोगों से, अपने साथ के जो लोग हैं, आपके दूसरे धर्म के जो दोस्त हैं, उन सब से ये अपील ज़रूर करें कि धर्म के नाम पर, खुदा के वास्ते धर्म के नाम पे, जिसको भी वो मानते हैं, भगवान को मानते हैं, जीसस को मानते हैं, जिसको भी मानते हैं, उनसे ज़रूर कहें कि उनके वास्ते वो नफ़रत बंद करें अपने साथियों से, अपने पड़ोसियों से, अपने दोस्तों से, जो धर्म के नाम पर एक नफ़रत पैदा की जा रही है। आज के प्रोग्राम में इतना ही। हमारी आपसे दरख्वास्त है कि इस प्रोग्राम को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया।